सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। पीछे अपने स्वर संधि का पहला भेद, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, उसकी परिभाषा अपन लोगों ने की। अब स्वर संधि का दूसरा भाग, भाग संख्या दो, जिसमें कि दूसरा स्वर संधि गुण भेद है गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि क्या है, किस प्रकार इसकी परिभाषा है, कैसे उदाहरण है, तो अपन देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा के तौर पे देखिए कि यदि ए या आ के बाद, किसके बाद, ए या आ के बाद यदि ई और बड़ी ई या फिर ऊ या बड़ा ऊ और री ये आवे, यानी कि इनके बाद में यदि ये ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री आवे तो क्या बनता है, तो बिल्कुल कर्मशः एक तो ए होता है, ए आ के बाद में यदि ई आता है तो ए होता है और ऊ आता है तो ओ होता है और री आता है तो क्या होता है, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर। अब उदाहरण के तौर पे देखेंगे, सबसे पहले देखिए देव प्लस इंद्र शब्द है, देव प्लस इंद्र संधि बनाई तो उसका बना देवेंद्र, यानी कि ए के बाद में ई, यहाँ पे वह में ए है और ये ई है, ए और ई दोनों मिले तो क्या बना, ए बना, तो इसलिए ए की मात्रा देवेंद्र पर हो गई, वह पे ए की मात्रा लगी, तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र। इसी प्रकार देव प्लस ईश देवेश, यानी कि ए के बाद में बड़ी ई आई तो भी ए बड़ा तो देवेश। महा प्लस इंद्र महेंद्र, आ के बाद में क्या आई, ई आई तो भी क्या बना, ए बड़ा। इसी प्रकार रमा प्लस ईश रमेश, यानी कि आ के बाद में बड़ी ई आई तो क्या बना, ए बना। इसी प्रकार राका प्लस ईश राकेश, यानी कि आ के बाद में ई आई तो क्या बना, ए, तो ए की मात्रा लग गई। इसी प्रकार उदाहरण ऊ के दिया हुआ है, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, ए के बाद में ऊ आया, ए के बाद में क्या आया, जैसे यह के अंदर ए है और यह है ऊ, दोनों मिल गए, दोनों का गुणा हुआ तो क्या हुआ, ओ, तो सूर्योदय बन गया। इसी प्रकार महाप्लस उत्सव महोत्सव, आगे बाद में ऊ फिर ओ बना। इसी प्रकार समुद्र समुद्र प्लस उर्मी समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोमी, ए के बाद में बड़ा ऊ आया तो भी ओ बना। इसी प्रकार एक उदाहरण और है, ये थे ओ के उदाहरण। अब देखिए देव प्लस ऋषि देव ऋषि, यानी कि ए के बाद में री आया तो उसका क्या बना, अर्भ हो गया, तो देव ऋषि। इसी प्रकार महा प्लस ऋषि महर्षि, आ के बाद में री आया तो क्या बन गया, अर बन गया। तो इस प्रकार गुण स्वर संधि के उदाहरण है, यानी कि ए आ के बाद में यदि ये ए समान स्वर आते हैं तो आने पर इस प्रकार के ये संधि बनती है, जो अपन लोगों ने उदाहरण किए, ई का ए बनाया, ऊ का ओ बनाया, री का अर बनाया। इसी प्रकार इसके तीसरा भेद है यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए, यदि ए या आ के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो, ए आ के बाद में क्या आए, कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बनता है, ई ई और ऊ ऊ और री का क्रमशः ये बनता है, यदि ए आ के बाद में ई आता है तो यह बनता है, ऊ आता है तो वह बनता है और री आता है तो रे बनता है।
यानी कि क्रमशः इन दोनों के बाद में ए समान से हो चाहे ई आ जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उ आता है चाहे छोटा हो बड़ा हो या री आता है, तो क्रमशः ई आने पर यह बनता है, उ आने पर वह बनता है और री आने पर रह बनता है। उदाहरण के तौर पर यदि प्लस अपि यद्यपि ई के बाद में ए आया तो यह बना, यदि प्लस अपि यद्यपि, इसी प्रकार अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक ई के बाद में आ आया तो यह बना, इसी प्रकार अति प्लस उत्तम अति उत्तम, अति प्लस उत्तम तो क्या बना ई प्लस उ बराबर यू अति उत्तम, इसी प्रकार अनु प्लस अय अनु प्लस ए अनवे, यानी कि उ के बाद में ए आया, उ के बाद में ए आता है वह बनता है। इसी प्रकार उदाहरण एक और है सु प्लस आगत, उ के बाद में आ आया तो वह बना, जैसे स्वागत, तो ये शब्द बना। इसी प्रकार री का एक और देखिए, जैसे पितर प्लस आदेश, पितर प्लस आदेश पितरादेश, री के बाद में आ आया तो रह बना, गुरु प्लस औदार्य गुरु औदार्य, यानी कि उ के बाद में ओ आया तो रो बना, तो गुरु आदार्य। तो इस प्रकार ये स्वर संधि का दो उदाहरण आप लोगों को बताए, गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि, इनके अनेक उदाहरण आप अन्य अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो आपको प्रत्येक के कम से कम कितने उदाहरण लिखने हैं, गुण के और प्लस यण के, आपको 10-10 उदाहरण लिखने हैं। कितने कितने 10-10 अन्य उदाहरण लिखने हैं, यह आपका गृह कार्य है। इतना 10-10 उदाहरण आप स्वयं लिखेंगे, इनको लिखने के बाद बनाएंगे खुद। तो इस प्रकार उदाहरण देख लो और उनके आधार पर आपको बनाना है।